डेट दो की तैयारी करिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ जो हम आपको देंगे पेपर वन पेपर टू के लिए कंप्लीट कोर्स आपके व्हाट्सएप पे फुली अपडेटेड मटेरियल बेस्ट पीडीएफ नोट्स ना तो कोई बुक पढ़नी है ना ही कोई नोट्स बनाने हैं आपको यही फॉलो करना है आपकी तैयारी सबसे बेस्ट हो जाएगी पेपर वन की कॉस्ट है फुल कोर्स की सेवन की साढ़े जिसमें आपको पूरा कोर्स आपको व्हाट्सएप दिया जाएगा पेपर टू की कॉस्ट है पंद्रह सौ रुपये ये यहाँ पे सब्जेक्ट लिखे हैं आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं पूरा कोर्स अपने व्हाट्सएप पे ले सकते हैं तो जल्दी से इस नंबर पे कांटेक्ट कॉन्टेक्ट तो व्हाट्सअप करिए आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी सो तो देखिए इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको यू को कैसे मेल करना है एन को कैसे मेल करना है क्या उसके अंदर लिखना है कि ताकि आपका रिजल्ट जो है वो बारह आ जाए तो देखिए आपको पता है कि जैसे अभी जो रिज़ल्ट था वो एंटी ने बोला था कि मैं आपको छः परसेंट का रिज़ल्ट दूंगा लेकिन देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट का जो रिज़ल्ट है वो सात आठ परसेंट भी आया है बारह परसेंट भी आया है कईयों का कईयों का आठ परसेंट है कईयों का छः से भी कम है जैसे इंग्लिश लिटरेचर का देखिए चार परसेंट के आसपास है हिस्ट्री का साढ़े पाँच परसेंट है ऐसे करके सो so, कईयों का छः बोल के चार भी दे दिया छः बोल के सात आठ परसेंट भी दे दिया लेकिन आना चाहिए बारह तो कैसे आपको मेल करना है क्या लिखना है उसके अंदर कि जिससे एन के ऊपर प्रेशर बने यू के ऊपर प्रेशर बने आपका रिजल्ट जो है बारह प्रतिशत आ जाए और जो बच्चे क्वालिफाई होने के लिए डिजर्व करते हैं वो आसानी से क्वालिफाई हो जाएँ तो अगली स्लाइड में चलते हैं आपको मैं पूरा उसमें बताऊँगा डाटा कि आपको कैसे मेल करना है आप डायरेक्ट उसे कॉपी कर सकते हैं और एन को डायरेक्ट उससे मेल कर सकते हैं सो कहाँ पे मेल करना है ये भी आपको बताया जाएगा तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए सो देखिए आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर आपको एन को यू को मेल करना है तो आप वो मिल कैसे कर सकते हैं ठीक है आपको मिल कैसे करना है कैसे एक्सप्रेस करना है कि आपको 12 परसेंट रिजल्ट चाहिए सो देखिए आपको यहाँ पे जाना है आपको लिखना है देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको बता दूंगा ठीक है ये जो चीज़ लिखी हुई है आपको लिखने की जरूरत नहीं है ये सेम एज इट इज़ आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी आप वहाँ पे जाइए वहाँ से कॉपी कर सकते हैं या आपको कोई सीधे ही हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए कमेंट बॉक्स में जाइए वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा वहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है आप अपना नाम लिख के वहाँ पर उनको भेज सकते हैं सो देखिए यहाँ पर लिखा है श्रीमान यू अध्यक्ष आदरणीय महोदय सो देखिए यूजीसी जी ने दिसंबर 2020 और जून 2021 की परीक्षा हाल ही में परिणाम जारी हुआ है ठीक है यानी कि दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो रिजल्ट जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका परिणाम जारी हुआ है इस बार दो परीक्षा यानी कि दिसंबर 2020 और जून 2021 का विलय यानी कि मर्च हुआ है जिसका मतलब है कि यूजीसी की नीति यानी कि यूजीसी की, की पॉलिसिन के अनुसार हर सत्र में छः परसेंट या छः प्रतिशत परिणाम घोषित किया जाता है तो इस बार देखिए 12% परसेंट होना चाहिए यानि कि दिसंबर 2020 का 6% परसेंट और जून 2021 का 6% परसेंट तो होना चाहिए 12% परसेंट देखिए यू की पॉलिसी है एक सेशन में वो 6% परसेंट जो रिज़ल्ट देगा तो दो सेशन का कितना हो गया 12% परसेंट रिज़ल्ट आपका एक था सेशन आपके दो थे लेकिन परिणाम सिर्फ छः ही आया ठीक है परिणाम आया छः सेशन दे दो जबकि बारह चाहिए था आया सिर्फ छः तो यहाँ पे देखिए टोटल जो विद्यार्थी हैं उसकी संख्या ये है उपस्थित जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनकी संख्या ये है जो सहायक प्रोफेसर इनके असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुए हैं वो ये हैं इनकी संख्या और जे के लिए कितने हैं इतने तो कुल मिला देखिए ये बनते हैं बावन हज़ार आठ सौ कुछ यहाँ पे बनते हैं ठीक है तो तिरपन हज़ार स्टूडेंट यहाँ पे बनते हैं तो देखिए अगर मैं टोटल की बात करूँ तो टोटल तो में तो चार पॉइंट सत्रह का ही परसेंटेज यहाँ पे बनता है जबकि बारह चाहिए था यह है टोटल उम्मीदवारों का अगर कहते ना कि इतने स्टूडेंट ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया और जैसे इतने ने यहाँ पे फॉर्म भरा और इतनों ने यहाँ पे क्वालिफाई किया है ना तो उस हिसाब से देखिए यहाँ पर टोटल स्टूडेंट का भी यहाँ परसेंटेज कम बनता है लेकिन यू कहता है कि जितने भी विषय हैं जैसे मान लीजिए कि चौरासी विषय हैं चौरासी सब्जेक्ट हैं उसमें अगर हम माने हर एक सब्जेक्ट में छः परसेंट माने देखिए कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं जितने स्टूडेंट जितने स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं पास होते हैं उनमें से परसेंटेज निकालते हैं छः परसेंट तो कुछ कहते हैं कि नहीं जितने विषय हैं हर एक विषय से निकालते हैं देखिए एक विषय से ही निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका जो विषय है ठीक है आपका फॉर एग्जाम्पल विषय है हिस्ट्री आपका है इंग्लिश लिटरेचर कुछ भी आपका विषय है जितने स्टूडेंट ने उसमें एग्ज़ाम दिया होगा उसका छः आपका निकलेगा रिजल्ट तो यहाँ पे देखिए टोटल का भी हमने यहाँ पे कर दिया जिन्होंने फॉर्म भरा था और जितने विषय है उसमें से भी हमने कर दिया ठीक है देखिए हिस्ट्री के सब्जेक्ट में तकरीबन पाँच साढ़े पाँच परसेंट है और इंग्लिश लिटरेचर में देखिए साढ़े तीन चार परसेंट रिजल्ट ही है जबकि बारह होना चाहिए है ना तो यहाँ पर देखिए मेरी यू जी सी का अध्यक्ष ममदला मम्मी दला जगदीश कुमार से विनती है कि इस परीक्षा का परिणाम मेरी आपसे विनती है कि फिर से दोबारा बारह परसेंट घोषित किया जाए ताकि जो विद्यार्थी इस बार कम नंबर से सफल नहीं हो पाए वो भी सफल हो जाए देखिए यहाँ पे साठ हज़ार स्टूडेंट का सवाल है देखिए मान लीजिए कि आपका रिजल्ट जो है वो बारह की जगह चार परसेंट आ गया लेकिन यू ने बोला था मैं छः दूंगा उसने दो परसेंट वैसे कट कर दिया और बारह के हिसाब से का आपका आठ परसेंट कट गया अब देखिए कि जो स्टूडेंट आठ परसेंट की श्रेणी में आएंगे मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम इस बार कुछ नंबर से नहीं हुआ अगर मान लीजिए कि 12 परसेंट रिज़ल्ट आ जाता है या अभी आ जाए तो आप भी क्वालिफाई हो पाएंगे आपको अगला सेशन वेट करने की जरूरत नहीं है ठीक है तो आप इस बार पास हो सकते अगर 12 परसेंट आ गया थो। तो सो देखिए यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है कि कोरोना काल की वजह से दो सत्र एक साथ होने से हमारा एक चांस ख़त्म हो गया आपको कहाँ पर दो चांस मिलने थे एक दिसंबर दो का एक जून दो का दो मिलने हैं ना चांस आपको क्या हुआ आपका एक चांस कट गया मान लीजिए आप दिसंबर 2020 का एग्जाम देते आपका छः परसेंट रिजल्ट आता फिर जून 2021 का देते फिर उसमें छः आता आपको फिर से अलग अलग देते तो बारह परसेंट ही होता ना छः उसका छः उसका लेकिन दो इकट्ठे कर दिए फिर भी आपका छः ही आया इसलिए क्या हुआ कि आपका एक चांस यहाँ पर ख़त्म हो गया एक चांस यहाँ पर कट गया इसलिए दो सत्र के अनुसार बारह रिजल्ट ही दिया जाए ठीक है तो ये है तो ये देखिए ये आपको यहाँ पे अपना नाम लिख के उनको मेल कर देना है अगर आप हिंदी में करना है तो हिंदी में कर दीजिए लेकिन जो स्टूडेंट इंग्लिश में करना चाहते हैं इंग्लिश में यहाँ पर दिया है वो यहाँ से इंग्लिश में कॉपी करके अपना नाम यहाँ पर लिख के कर सकते हैं ठीक है आपका दोनों हमारे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा आप दोनों जगह जा से जाके इसे इजीली कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं सो so, देखिए यहाँ पे आप एन को मेल कर सकते हैं इस ई मेल आई डी पर यू जी सी नेट एट द रेट एन टी ए डॉट ए सी डॉन इन पर क्योंकि यू जी सी नेट देखिए एग्ज़ाम जो है एन टी कंडक्ट करवाता है उसके लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे मेल करना है उसके अलावा देखिए आप इन्हें ट्विटर हैंडल पे भी इनको लिख सकते हैं यही चीज़ और उसके साथ साथ देखिए जो भी यू की वेबसाइट है जितनी वेबसाइट है आप सभी पर इनको सेम मेल भेजिए और इनके ऊपर प्रेशर बनाइए कि ताकि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका फिर से आए ठीक है फ्रेंड्स तो आप यहाँ पे ईमेल करिए और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट और व्हाट्सअप कर सकते हैं